नमस्कार, इलेक्ट्रोहोमोपैथी के इस विशेष एपिसोड में आपका प्यारा दोस्त बस्ती से डॉक्टर श्रीवास्तव। दोस्तों, आप सब ने मांग की थी कि दांत और उसके संरचना तथा उसके दर्द के बारे में इलेक्ट्रोहोमोपैथी के दृष्टिकोण से कुछ चर्चा की जाए, तो आज हम दांत के दर्द या दांतों में होने वाली प्रमुख बीमारी के बारे में बात कर लेते हैं। दरअसल दांत हमारे भ्रूण अवस्था में, जब बच्चे का जन्म नहीं होता उसके पहले जब भ्रूण अवस्था होता है, तो किसी भी जायगोट के विभाजन के बाद उसके शरीर के अंग बनने से पहले तीन स्तर की रचनाएं बनती हैं, जिन्हें हम एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म कहते हैं। तो मीजोडर्म से हड्डियां बनती हैं और उसी मीजोडर्म के फलस्वरूप हमारे जीवन में दांतों का निर्माण भी आरंभ होता है। दांत चूंकि हड्डी है और हड्डियों से संबंधित ये पार्ट है, तो स्वाभाविक है कि हड्डी स्वयं में एक टिशू माना गया है, जिसे हम कनेक्टिव टिशू कहते हैं। और बोन के अंदर, हमारे जबड़े के अंदर एक गड्ढा होता है, उस गड्ढे के अंदर दांत की जड़ें घुसी होती हैं या उसके अंदर वो स्थित होती हैं। अगर हम दांत के संरचना की बात करें तो पूरे दांत को हम तीन पार्ट में बांट देते हैं। जो दांत का पार्ट हमें बाहर दिखाई पड़ता है उसे हम क्राउन कहते हैं, जो दांत का पार्ट हमारे मसूड़े के अंदर होता है उसे हम नेक कहते हैं, और जो दांत हमारे हड्डी के यानी हमारे जबड़े के अंदर गड्ढों में फिट होता है उसे हम रूट कहते हैं। अब अगर किसी दांत को उखाड़ के हम बाहर ले आएं और फिर उसको हम ब्लेड से या किसी आरी से बीच से लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में काट के उसको हम अलग अलग दो पार्ट में करें, तो आप देखेंगे, चूंकि यहाँ पे प्रोजेक्टर सिस्टम अभी मैं विकसित नहीं कर पाया हूँ, धीरे धीरे आप सब लोगों को कुछ अच्छी क्लास देने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन अभी इसकी व्यवस्था प्रोजेक्टर सिस्टम की या डैशबोर्ड की व्यवस्था नहीं हो पाई है। मैं जल्द ही इसकी व्यवस्था करूँगा जिससे मैं आपको डायग्राम स्केच करके भी बता सकूँ। तो जब दांत के हम बीच को अलग करके देखते हैं तो दांत हमारा तीन पार्ट में दिखाई पड़ता है। जो हमारे दांतों की बाहर की सफ़ेद रंग की चमक होती है इसे हम इनेमल कहते हैं। उसके नीचे इनेमल एक पतली परत है जो अंदर से ऑक्सीजन के पाने से डेंटिन के ऊपरी पार्ट में फ्लोराइड के जमाव के कारण एक चमकीली परत बनती है, यानी दांतों के एनेमल की सुरक्षा के लिए हमें फ्लोराइड की आवश्यकता होती है, जो हमारे भोज पदार्थों में मिलता है, हमारे पानी में मिलता है। लेकिन अगर फ्लोराइड हमारे शरीर में ज़्यादा हो जाए तो हमारे दांतों पर काले काले धब्बे पड़ जाते हैं। आपने देखा होगा तमाम लोगों के दांतों पर सफ़ेद होने के बावजूद उनके दांतों पर अनेक काले काले धब्बे पड़ जाते हैं, वो फ्लोराइड की अधिकता से होता है, जिसे हम फ्लोरिस रोग मान लेते हैं। बहुत ज़्यादा काला होना फ्लोरिस रोग का प्रतीक माना जाता है। दांतों के एनेमल के नीचे डेंटिन पार्ट होता है और ये डेंटिन पार्ट नीचे से ऑक्सीजन की सप्लाई ब्लड से पाता है, ब्लड से अपनी खुराक पाता है और ऊपर की ओर धीरे धीरे वृद्धि करता है, जिससे दांत धीरे धीरे ऊपर की ओर मसूड़े से बाहर की ओर हड्डी से ऊपर निकलने लगते हैं। कार्यों के करते करते उम्र के साथ बढ़ते बढ़ते या कभी कभी हमारी लापरवाही से हमारे दांत घिसने लगते हैं। जब दांतों की इनेमल घिसती है तो फिर डेंटिन पर हमारे भोज पदार्थों का बोझ पड़ता है। डेंटिन पर बोझ पड़ते ही कभी कभी डेंटिन में गड्ढे हो जाते हैं जहाँ पे बैक्टीरिया का जमा हो जाता है, हमारे दूषित भोज पदार्थ वहाँ पर रुकने लगते हैं जिनसे बैक्टीरिया पनपते हैं और उससे हमारे दांतों में दर्द शुरू होता है। दरअसल दर्द, दांतों का दर्द तो एक बहुत ही भीषण दर्द होता है। अगर दांत की इनेमल ख़त्म हो गई है और डेंटिन पर हमारे भोज पदार्थों का प्रेशर पड़ रहा है और डेंटिन अगर दबती है और पल्प कैविटी की ओर जाती है, जो कि डेंटिन के अंदर होती है,
तो पल्प कैविटी पर अगर हमारे भोज पदार्थों का प्रेशर पड़ता है हमारे ऊपरी दांत से या निचले दांत से, तो फिर एक इतना तेज दर्द होता है जिसको आप बर्दाश्त के बाहर कह सकते हैं, या एक अचानक बिजली के कण के झटके की तरह वो दर्द होता है अगर पल्प कैविटी के ऊपर हमारे भोज पदार्थों का प्रेशर पड़ जाए, हमारी डेंटिन वहाँ पर दब करके या डेंटिन हमारे पल्प कैविटी को प्रेशर से दबा रही हो। यहाँ तक तो हमने आपको दांत की संरचना की बात की। हमारे दांत आड़ी बेड़ी तिरछी पेरियोडेंटल कैविटी में पड़े होते हैं और ओडेंटोब्लास्ट से धीरे धीरे डेंटिन का निर्माण होता रहता है और डेंटिन हमारी ऊपर बढ़ती रहती है और ऊपर से एक फ्लोराइड की परत होती है जिसे हम चमकदार परत कहते हैं। अब चूंकि इलेक्ट्रोहोपैथी में हमारे पास रोग तो एक ही है कि एनी परसिस्टेंट चेंज इन द लिम्फ और ब्लड दैट इज कॉल्ड डिजीज, हमारे रक्त या रस में होने वाला कोई भी अस्थायी परिवर्तन रोग का कारण बनता है। अब दांत में भी वही स्थिति है, जो दांत स्वस्थ निकलते हैं वो होम्योस्टेसिस में होते हैं और जब दांतों पर हमारी अनियमितता होती है, हम दांतों का के ऊपर भोज पदार्थों का या अन्य प्रकार के गुटखा पुकार पान तंबाकू या अन्य कोई चीज़ का हम प्रयोग करते हैं तो वहाँ पर हमारे दांत घिसने लगते हैं, अर्थात दांतों की होम्योस्टेसिस बिगड़ जाती है और दांतों की होम्योस्टेसिस को रीमेंटेन करने के लिए हमारे पास इलेक्ट्रोहोमोपैथी में क्या है, इसी पर हमें चर्चा करनी चाहिए। हमारे कई साथियों ने दर्द के बारे में, दांतों के दर्द के बारे में तात्कालिक रिलीफ की बात की थी, तो दांत में अगर आपके मसूड़ों में दर्द है, लगातार स्वेलिंग है, मसूड़े में दर्द बना हुआ है, तो हम वहाँ पर यस 5C7 और बी को 20-20 ड्रॉप दिन में हर घंटे पे दे सकते हैं अगर दर्द ज़्यादा हो, और अगर एक परमानेंट दर्द बना हुआ है तो हम दिन में 4-6 बार दे सकते हैं, और कॉटन में यस 5 और बी को भिगो करके हम अगर अपने मसूड़े के आसपास या गाल के ऊपर या दाएं बाएं रख लेते हैं तो उससे भी हमको लाभ मिलता है। अगर दांत में हमारे दर्द अंदर की ओर है, पल्प कैविटी पे हो रहा है, मसूड़ों के बजाय हमको लगता है कि हमारे दांत पीस रहे हैं, दांतों के अंदर दर्द हो रहा है, एक हल्की मीठे मीठे दर्द का आभास हो रहा है, तो वहाँ पर हम C4 का प्रयोग करते हैं C7 के साथ और BE और GE दोनों का प्रयोग करते हैं। चूँकि जब पल्प कैविटी पर प्रेशर पड़ता है तो हमको BE और GE दोनों देना पड़ता है, क्योंकि BE जो है ब्लड सर्कुलेशन को प्रॉपर करती है और GE वहाँ पर पस टेंडेंसी को रोकती है, यानी पस नहीं बनने पाता है तो मसूड़े में हमारे सड़न या गलन नहीं होती है। और अब चूंकि दांत के मजबूती की बात है, दांत को हम सुरक्षित कैसे रखें, तो कोशिश करते हैं कि दांत के दर्द का आभास होते ही हम L2 और C3 ये दोनों लगातार 10-10 ड्रॉप हम दिन में 4 बार रोगी को देते हैं। तो हमारे दांतों के दर्द के लिए हमारे 4 फार्मूले बने। पहला फार्मूला हमारा बना S5C7 और B, ये 20-20 ड्रॉप दिन में पहले आवरली देंगे और फिर इसके बाद नेक्स्ट डे से हम इसको 4-6 बार देंगे। दूसरा फार्मूला हमारा बना C4, C7 और BE और GE, हम इसको भी 20-20 ड्रॉप दिन में 4-6 बार दे सकते हैं। तीसरा फार्मूला हमारा बना L2 और C3 का, L2 और C3 भोजन के पहले 20-20 ड्रॉप हम सुबह शाम केवल देंगे, जिससे हमारे दांतों के इनेमल और डेंटिन का पोषक तत्व मिलता रहे, क्योंकि L2 हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम को कंप्लीट करती है, ऑक्सीजन की सप्लाई को तेज करती है और दांतों में ऑक्सीजन की सप्लाई को तेज करना जिससे डेंटिन ऊपर की ओर वृद्धि करता रहे और फ्लोराइड में ऑक्सीजन की मात्रा से फ्लोराइड में चमक बनी रहे, हमारे दांतों की चमक बनी रहे और मजबूती बनी रहे। और तीसरा फार्मूला के बाद हम CNS+WE, ये सुबह शाम अगर रोगी को दर्द ज़्यादा हो रहा है या रोगी पूरा क्रॉनिक दर्द से परेशान है तो CNS और WE का प्रयोग हम दिन में 3 बार भी दे सकते हैं, सुबह खाली पेट, दोपहर में आराम करते समय और रात में सोते समय। ये प्रायोगिक किए गए प्रयोग हैं जो आप आजमा सकते हैं, देख सकते हैं और इनके बारे में अपने रोगियों पर आप दवाइयों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर 9793252355, आप इस पर अपने रोगी की हमसे वीडियो कॉलिंग करा सकते हैं, हमारे सलाह ले सकते हैं और इलेक्ट्रोहोमोपैथी के बारे में आप कोई भी पुरानी या नवीन जानकारियां ले सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। आपका प्यारा दोस्त डॉक्टर श्रीवास्तव यहीं पे इजाज़त चाहता है। अग्रसर रहें इलेक्ट्रोहोमोपैथी में, अपनी जोत जलाए रखें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।